dear students in this module we are going to talk about conflict approach as one of the important theoretical perspectives of socialization process they are of the view that socialization is a means by which those in power maintain their dominance over those without power as you know that conflict perspective proponents of conflict perspective are always of the view that it's a perpetual or continuous struggle between two classes those who have resources and those who do not have the resources so socialization process actually perpetuates this class struggle it's a process which is used for increasing or perpetuating the inequality within these two classes सो इन इट रीप्रोड्यूस दोशल इनिक्वालिटी बाय ट्रांसमिटिंग द वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स दैट जस्टिफाई एंड री इन्फोर्स द एग्ज़स्टिंग सोशल ऑर्डर इनका ये ख्याल है कि सोशलाइजेशन के प्रोसेस को सोसाइटीज़ इस्तेमाल करती हैं ताकि जो एग्जस्टिंग इनटीज़ हैं वो उनको या तो री इन्फोर्स किया जा सके रिइजर्ट किया जा सके या उनको उनके तसलसल को बरकरार रखा जा सके तो इस सोशलाइजेशन प्रोसेस के नतीजे में ऐसा पोटेंशियली ऐसा कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के मुताबिक नज़र नहीं आता बल्कि ये है कि ये प्रोसेस जो है अगर हम इसको क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये प्रोसेस इसी इनकवालिटी को प्रपैचुएट करता हुआ नजर आता है जिसमें वो लोग जो एडवानटेज़स पोजिशन के ऊपर होते हैं वो ज़्यादा बेनिफिट्स गेन करते रहते हैं इस सोशलाइजेशन प्रोसेस से और वो लोग जो डिसडवाटेज़स पोजीशन के ऊपर होते हैं वो उसी डिसएडवानटेज़स पोजीशन को अपने लिए नॉर्मल कंसीडर करते रहते हैं इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लिक्ट इस माइट पॉइंट टू द वेज इन विच आवर एजुकेशन सिस्टम परपैचुएट्स दिस सोशल इनक्वालिटी बाई प्रोवाइडिंग बेटर रिसोर्स टू द वेल्दी स्टूडेंट्स एंड री द वैल्यूज एंड बिहेवियर्स ऑफ द रूलिंग एलीट जैसे कि हमारे यहाँ बाइफ्रिकेट एजुकेशन सिस्टम मौजूद है तो इसके ऊपर अगर हम गौर करें तो हम ये देखते हैं कि जो एलीट स्कूल्स हैं उनके अंदर सोशलाइजेशन का प्रोसेस इंटायरली डिफरेंट है उनके अंदर जो एजुकेशन की क्वालिटी और एजुकेशन का स्टैंडर्ड है दैट इज़ कम्पलीटली और एब्सोल्यूटली डिफरेंट दैन एज़ कम्पेयर टू दोज पब्लिक सेक्टर स्कूल्स जिनके अंदर जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो एजुकेशन ले रहे हैं तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम इसी प्रोसेस uh, को सोशलाइजेशन प्रोसेस को यूज़ करते हुए उस इन इन को प्रपैचुएट करता रहता है तो पोटेंशियली वो बच्चे जो एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम से निकलेंगे वो एडवांटेजेस पोजिशन के ऊपर होंगे और वो बच्चे जो रिलेटिवली लो क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम से निकलेंगे लेटर ऑन प्रोफेशनल लाइफ के अंदर वो एक डिसएडवानटेज़स पोजीशन पे होंगे तो पर्सपेक्टिव यहाँ पर हमें ये uh, इस ऐसी चीज़ों को की निशानदेही करने में हेल्प करता है जिनमें इनक्वालिटी पोटेंशली विद इन सिस्टम एग्जिस्ट कर रही होती है सो सोशलाइजेशन कैन ऑल्सो बी यूज एज आ टूल ऑफ सोशल कंट्रोल टू मेनटेन द स्टेटस को एंड सप्रेस द डाइसेंट जो डिफ्रेंस ऑफ ओपिनियन है उसके हवाले से भी हम ये देखते हैं कि हमारे जो अथॉरिटी होती है वो गाइडिंग प्रिंसिपल बन जाती है वो गाइडिंग फोर्स बन जाती है जो कि राइट और रॉन्ग की डेफिनीशनस को डिटरमिन करती है ना कि इस बुनियाद पे डिटरमिन हो कि राइट और रॉन्ग जो है वो शेयर्ड या कंसेंसस की बेसिस के ऊपर भी जो है वो आपके लिए डिटरमिन हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा या सही हो सकता है चाहे आप सबॉर्डीनेट पोजीशन के ऊपर ही क्यों नहीं हैं लेकिन कॉन्फ्लिक्ट प्रस्पेक्टिव ये कहता है कि सबॉर्डिनेट पोजिशन के ऊपर जो है स्टेटस को को चूंकि री किया जाता है इस वजह से उसकी ओपिनियन मैटर नहीं करती है So, in this approach, socialization is viewed as a negative force that perpetuates social inequality and oppression. So, one limitation of this perspective is that it tends to downplay the ways in which socialization can be a means of resistance and agency for those who are at the marginalized position. As class सिस्टम के अंदर जो मार्जिलइज पोजीशन के ऊपर हैं जो सबॉर्डिनेट पोजीशन के ऊपर हैं वो कभी भी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं बल्कि उनके अंदर जो सेंस ऑफ रेजिस्टेंस है वो पैदा होती रहती है माशरों के अंदर तब्दीलियाँ रूना होती रहती हैं हाँ वो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन के अंदर चाहे पैदा हों लेकिन वो मुशरे के लिए लेटर ऑन एक फंक्शनल रोल जो है वो प्ले कर सकती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है वो इस एस्पेक्ट को डाउन प्ले करता है और इन अ नैचुरल जो सोशलाइजेशन uh, है पोटेंशियली इसको इनकवालिटी को प्रपैचुएट करने के प्रोसेस के तौर पर रिफ्लेक्ट करता है